Hello seekers, welcome back to ScienceSense Global Consultancy, your one-stop channel for free recruitment and grooming solutions. This is Apeksha yet again with a new video, so let's get started. बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है अपने इंटरव्यू रिजल्ट्स देख के कि हमने तो सारे आंसर्स दिए थे, हमें तो अपनी डोमेन की पूरी नॉलेज है, हमने तो सब कुछ सही सही बताया था, फिर भी हमें रिजेक्ट कर दिया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रिक्रूटर्स जो होते हैं वो आपको सिर्फ आपकी डोमेन नॉलेज पे नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों पे जज करते हैं, और उन चीज़ों में से दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन एंड आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? जब आप अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं ताकि आप सामने वाले को अपनी बात समझा सकें। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जब आपकी थॉट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अपीयरेंस, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपके जेस्चर्स के थ्रू सामने वाले को समझ में आ जाती है। इन 90% ऑफ द केसेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो अनकॉन्शियस होती है, आपको पता भी नहीं होता आप सामने वाले को क्या मैसेज सेंड कर रहे हो और उनको आपकी मन की बात या आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ में आ जाता है। सो रिक्रूटर्स जो होते हैं इन चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली नोटिस करते हैं और इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सो इन केस अगर आपकी वर्बल कम्युनिकेशन आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मैच नहीं कर रही है तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अब मैच नहीं कर रही है का क्या मतलब है? सपोजिंगली आप इंटरव्यूअर को कह रहे हैं कि आप बहुत ही डिसिप्लिन हैं और ऑर्गेनाइज्ड हैं, ऑन दी अदर हैंड आप इंटरव्यू के लिए लेट पहुंच रहे हैं और आपकी जो ड्रेस है वो आयर्न भी नहीं है, आपके शूज़ पॉलिश्ड नहीं हैं, आपके हेयर नहीं अच्छे से कॉम नहीं है, तो आप जो बोल रहे हैं और जो रिक्रूटर को दिख रहा है वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इन दैट केस वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एंड रिक्रूटर विल नॉट बिलीव यू वॉट यू आर सेइंग, रिक्रूटर विल बिलीव वॉट ही कैन सी। तो यहाँ पे आपके चांसेस जो हैं रिजेक्शन के वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो बोल रहे हैं वो उसको स्ट्रॉन्ग भी कर सकती है और उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकती है। सो आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपको पैरेलली चलानी है सो दैट रिक्रूटर के ऊपर आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो जो आपका ड्रेस कोड होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। देर आर सर्टन कंपनीज जैसे कि गूगल जो ड्रेस कोड को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं क्योंकि वो कैंडिडेट की नॉलेज को वेटेज देते हैं, लेकिन देर आर सर्टन कंपनीज, सर्टन MNCs 90% ऑफ द केसेस जहाँ पे वो फॉर्मल ड्रेस कोड को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो अगर कैंडिडेट ने फॉर्मल्स नहीं पहने तो वो उनको अपने गेट के अंदर भी नहीं आने देते, इंटरव्यू लेना तो बहुत दूर की बात है। अब कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई, एविएशन इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पे फॉर्मल्स को ही वेटेज दी जाती है और वो भी प्रॉपर स्ट्रिक्ट फॉर्मल्स होते हैं, तो वहाँ पे वो इनफॉर्मल ड्रेस कोड को मानते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कुछ IT सेक्टर की कंपनीज हो गई जहाँ पे वो ड्रेस कोड को इतनी वेटेज नहीं देते, वहाँ पे सेमी फॉर्मल्स भी चलते हैं। सेमी फॉर्मल से मेरा मतलब है आपने जीन्स पहनी है और साथ में आपने शर्ट पहनी है तो दे विल बी ओके विद दैट, बट नॉट एवरीवेयर। और ये चीज़ें आपको पता लगेंगी जब आप उस कंपनी पे थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा सर्च करेंगे, उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़ेंगे कि वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तभी आपको इस चीज़ का आइडिया लग सकता है कि आपको कैसे ड्रेसअप होके जाना है। फॉर्मल ड्रेस कोड सबको पता होता है कि इंटरव्यू के लिए फॉर्मल्स पहन के जाने हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पता तो सबको होती हैं लेकिन वो उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या फ़र्क पड़ेगा, इतनी छोटी चीज़ें थोड़ी ना रिक्रूटर नोटिस करेगा। लेकिन रिक्रूटर आपकी छोटी से छोटी चीज़ नोटिस करते हैं और उसके बेसिस पे वो आपको जज भी करते हैं।
अब जैसे कि आपने फॉर्मल्स पहने हैं, सपोजिंगली गर्ल्स के केस में आपने फॉर्मल्स पहने हैं, आपने सूट पहना है फॉर्मल, और आपने साथ में बहुत ही डार्क कलर की लिपस्टिक लगा ली है, ईयरिंग्स भी बड़े बड़े पहन लिए हैं, हील्स पहन के चले गए, वैसे कहने को तो आपने फॉर्मल्स पहने हैं, सूट पहने, लेकिन उसके साथ जो आपकी एक्सेसरीज हैं और आपका फुटवेयर है वो फॉर्मल नहीं है, राइट? उससे इंटरव्यूअर के सामने आपका इंप्रेशन ख़राब पड़ेगा कि इनका पूरा ध्यान तो तैयार होने में ही है, ये क्या ही काम करेंगे, ये काम करने में कितने ही मोटिवेटेड होंगे, राइट? सो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं थोड़ी बहुत आपको बता देती हूँ, पता सबको होती हैं लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब गर्ल्स के केस में फॉर्मल्स होते हैं, सूट पहन सकते हैं, सलवार कमीज साड़ीज पहन सकते हैं या वेस्टर्न सूट पहन सकते हैं जिसमें कि शॉर्ट्स ट्राउजर्स एंड ब्लेजर्स आते हैं। ब्लेजर्स अगर नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, शॉर्ट्स एंड ट्राउजर्स चलते हैं। अगर आपके बाल छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वो पोनी में टाई नहीं हो सकते, तो आप वो प्रॉपरली कॉम करेंगे और उनको पिन करेंगे। पिन ऐसे करेंगे कि जब आप रिक्रूटर से बात कर रहे हैं तो वो बार बार आपके फेस पे नहीं आ रहे होने चाहिए, क्योंकि फिर आपका रिक्रूटर भी डिस्ट्रैक्ट होंगे और आप भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपका पूरा ध्यान तो बाल सेट करने में लगा रहेगा, तो आप उनको आंसर कैसे कर पाएंगे। इन केस अगर आपके बाल लंबे हैं तो वो खुले नहीं रखेंगे आप, तो आप उनको टाई करेंगे या तो पोनी में या बन में या फ्लैट में, ओके? मेकअप आपका मिनिमम रहेगा, चॉइस ऑफ कलर ऑफ द अटायर एंड लिपस्टिक विल बी वेरी लाइट एंड सिंपल, नथिंग गॉडी नथिंग वेरी डार्क। फुटवेयर जो आपका रहेगा वो यूजुअली आप पहन सकते हैं बैलीज बैलेरिनास और वेस्टर्न फॉर्मल्स के साथ आप पहन सकते हैं फॉर्मल शूज। हील्स अवॉइड करें, बट अगर आपको पहननी है तो 1.5 से 2 इंचेस, इससे ज़्यादा हील नहीं होनी चाहिए। एक्सेसरीज आपकी मिनिमम रहेंगी, ओनली अ रिस्ट वॉच एंड आपके जो इयररिंग्स होंगे वो बहुत स्मॉल होंगे, नॉट वेरी बिग इयररिंग्स। अब आ जाते हैं बॉयज पे, तो बॉयज का भी जो कलर चॉइस रहेगी वो बहुत ही सोबर एंड सटल रहेगी। आप फॉर्मल्स पहनेंगे, शर्ट्स ट्राउजर्स एंड ब्लेजर्स, अगर ब्लेजर्स नहीं हैं तो भी चलता है कोई बात नहीं, शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, टाई इफ यू वांट टू वेयर, फॉर्मल शूज, नीट सॉक्स, ड्रेस प्रॉपरली आयन, हेयर कट आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपरली कॉम्ब होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े बाल नहीं रखेंगे। क्लीन शेव इज द बेस्ट, बट इवन इफ बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर आपको बियर्ड रखनी है तो बियर्ड आपकी प्रॉपरली ट्रिम्ड होनी चाहिए और आपकी वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए बियर्ड। एक्सेसरीज कोई भी नहीं, सिर्फ रिस्ट वॉच और कुछ भी नहीं, चप्पल्स फ्लोटर्स ये सब फॉर्मल्स में नहीं आते हैं तो आप ये नहीं पहनेंगे, जीन्स भी नहीं पहनेंगे, ठीक है? हाँ, अगर इफ़ यू गोइंग फॉर द इंटरव्यू फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट फॉर्मल्स होते हैं, प्रॉपर सूट्स शर्ट्स टाइज ब्लेजर्स ट्राउजर्स एंड लड़कियों के केस में बंस, ओनली बंस, वो सिर्फ बंस को ही कंसिडर करते हैं, आप पोनीज या फिर फ्लैट्स बना के नहीं जाएंगे। एंड बॉयज़ के केस में बियर्ड वाली एक्सेप्शन नहीं होती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, वो क्लीन शेव होने चाहिए, राइट? सो दीज आर सम वेरी स्मॉल पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल यू गेट रेडी फॉर योर इंटरव्यू। आई होप यू गेट सेलेक्टेड इन योर इंटरव्यू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।